खबर है रीवा से। रीवा की सक्रिय राजनीति में 30 वर्षों से सहभागिता निभा रहे रंजन गुप्ता ने अब बहुजन समाज पार्टी को अलविदा कहते हुए आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, जो कि आम जनता के हक के लिए बात करते हैं और इन्हीं मुद्दों को लेकर उन्होंने दिल्ली में आम जनता को अमन और सुकून दिया है, जिससे मैं काफी प्रभावित हुआ और आम आदमी पार्टी में अपनी टीम के साथ शामिल हुआ हूं। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे भी कहा कि अब तीसरे मोर्चे के रूप में आम आदमी पार्टी ही मध्य प्रदेश के लिए विकल्प है और हम सभी को मिलकर सदस्यता अभियान हम चलाएंगे, जिसमें रीवा से हमारे साथ हजारों की संख्या में लोग आम आदमी पार्टी में शामिल होंगे। रंजन गुप्ता के आम आदमी पार्टी में शामिल होने से रीवा की राजनीति में एक नई हलचल शुरू हो गई है, जो चर्चा का विषय बनी हुई है। आज ये जो है आम आदमी पार्टी जिला इकाई में प्रदेश स्तर से जो लोग जुड़ के यहाँ पर आज हमारे आम आदमी पार्टी में जो सदस्य बने, नए लोग जो आए हैं, उनको लेकर जिस प्रकार से रीवा के अंदर में सदस्यता अभियान का महाअभियान चलने वाला है। कल 15 तारीख को बैकुंठपुर में जो है बहुत बड़ा जो है महाअभियान सदस्यता का चल रहा है, उसको लेकर और आज यहाँ पर आप लोग को परिचित कराने के लिए हम जो यहाँ पर जो है जिला इकाई, मैं जिला अध्यक्ष ग्रामीण और शहर अध्यक्ष जो है राजीव सिंह शेरा, हमारे साथ में जो है इस वक्त जो है यहाँ पर सरिता शर्मा जी हैं, जो कि पूर्व सरिता पांडे जी हैं और जो पूर्व मंत्री जो है सीता प्रसाद जी की बहू हैं, जो कि सिरमौर से आती हैं, वो पिछले जो है अपने आप बताएंगी। इसके बाद जो है हमारे पास जो है उमेश त्रिपाठी जी हैं, जो कांग्रेस से हमारे टीम को ज्वाइन कर रहे हैं। इसके बाद जो सामाजिक कार्यकर्ता जो है रंजन गुप्ता जी हैं, ये सभी लोग ऐसे करके बहुत सारे जो आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। कल महाअभियान में जो है सदस्यता अभियान में प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री रानी अग्रवाल महापौर और साथ में जो है यहाँ के जो देखने वाले प्रदेश प्रभारी, सभी लोग जो है कल वहाँ पर बैकुंठपुर पहुँच रहे हैं। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का कारण ये है, हम लोग बताना चाह रहे हैं आपको कि यहाँ पर इनके अलावा बड़ी संख्या में जो है बीजेपी, कांग्रेस के लोग, बसपा के लोग, आम आदमी पार्टी को अपनी पहली प्राथमिकता दे रहे हैं। बड़े से बड़े लोग यहाँ पर जो है हम लोग के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, जो लोग आगे आगामी चुनाव में लड़ना चाह रहे हैं, चाहे वो वर्तमान के सिटिंग एमएलए हों या फिर पूर्व विधायक हों, लेकिन वो सब जो लोग हैं वो बताना चाह रहे हैं सबको कि जो लोग अभी आकर काम करना चाहते हैं, यही इनमें से ही कोई आदमी आगे चल कर टिकट का उम्मीदवार होगा और विधानसभा चुनाव लड़ेगा। लेकिन जो लोग अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में हो रहे हैं, तो यहाँ के माध्यम से हम लोगों को ये संदेशा देना चाहते हैं कि बाद में आने वाला कोई प्रत्याशी जो है अचानक से आम आदमी पार्टी में चुनाव नहीं लड़ता है, वो संगठन तैयार करता, अपना काम करता, फिर उसमें से जब सर्वे होता है उस हिसाब से जो है ये होता है। तो मैं आपको पहले जो है अपना परिचय जो है रंजन गुप्ता जी देंगे। साथियों, सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है। आज ये जो पत्रकार वार्ता की गई है उसके लिए सम्माननीय अध्यक्ष जी, सम्माननीय शहर अध्यक्ष महोदय, उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूँ। साथियों, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। आज हिंदुस्तान के अंदर दो मॉडल चल रहे हैं, एक माननीय प्रधानमंत्री जी का है गुजरात मॉडल, दूसरा दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय केजरीवाल जी का है दिल्ली मॉडल। गुजरात मॉडल के अंदर धार्मिक उन्माद, दंगे, भूख, भय, बेरोजगारी, ये सब पनप रहा है। और दूसरा आप अगर आप देखें दिल्ली मॉडल पूरी तरह आम जनता के हक और अधिकारों के लिए, उनको मूलभूत सुविधा प्रदान करने के लिए और जो संविधान ने उनको मौलिक अधिकार दिए उनकी रक्षा के लिए दिल्ली मॉडल लगातार कार्य कर रहा है। दिल्ली मॉडल के अंदर हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, हम शिक्षा की बात करते हैं, हम सड़क की बात करते हैं, हम बिजली की बात करते हैं, हम पेयजल की बात करते हैं, हम सुशासन की बात करते हैं। और इन्हीं सब कार्यों से, माननीय केजरीवाल जी के कार्यों से प्रभावित होकर मैंने आम आदमी पार्टी। सबसे पहले मैं मीडिया के भाइयों को धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं स्वागत करना चाहूँगा आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल हुए वरिष्ठ समाज सेवी रीवा के, जो कि किसी भी नाम के मोहताज नहीं हैं, रंजन गुप्ता जी, जो लंबे समय से सामाजिक कार्यों में शामिल रहे आए हैं। उन्होंने पार्टी से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी को भोपाल में जाकर ज्वाइन किया है। दूसरे हमारे जो हैं उमेश त्रिपाठी जी मऊगंज के रहने वाले हैं, प्रदेश स्तर पर इन्होंने सामाजिक काम और राजनीतिक कामों में भाग लिया है। बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी में ये काफ़ी महत्वपूर्ण पदों में रहे हैं।
और वहाँ से असंतुष्ट होकर उन्होंने ये माना है कि आम आदमी पार्टी ही बेहतर विकल्प है देश के लिए, प्रदेश के लिए। तो उन्होंने आम आदमी पार्टी को जाकर दिन पे भोपाल में जाकर प्रदेश के प्रभारी पंकज जी और गोयल जी के हाथों सस्ता ली है। और हमारे जो सिरमौर क्षेत्र के जो सिरमौर और मनगमा से लगा हुआ क्षेत्र है, वहाँ से शीतला प्रसाद जी जो पूर्व मंत्री, हाँ शीतला प्रसाद जी जो पूर्व मंत्री थे, उनकी बहू सरला सरिता पांडे जी जो कल सदस्यता लेने वाली हैं, जो अभी जिला पंचायत का भी चुनाव लड़े थे आप, और वहाँ महासदस्यता अभियान जो है बैकुंठपुर में कल चलाया जा रहा है। और हमारे बीच में महापौर के प्रत्याशी, रीवा नगर निगम के महापौर के प्रत्याशी दीपक सिंह पटेल जी भी हैं, जिनके आने के पश्चात रीवा में एक उबाल सा हुआ है आम आदमी पार्टी में लोगों को जुड़ने का, क्योंकि हमने अपनी उपस्थिति जो है लगातार रीवा में दर्ज कराई है। अब प्रमोद शर्मा जी द्वारा लगातार सक्रियता दिखाने के पश्चात रीवा जिले में हर गाँव के हर कस्बे के लोग लगातार पार्टी से जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं जो लोग जुड़े हैं उनका स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूं, और कल 15 तारीख को जो कार्यक्रम होने वाला है उसमें मीडिया वालों को भी आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप लोग भी वहां पे आइए और महासदस्यता अभियान में भाग लीजिए, वहां का प्रोग्राम देखिए। सुलेमान पैलेस दोपहर 12 बजे, पूरा प्रदेश संगठन और केंद्रीय नेतृत्व वहाँ उपस्थित होगा। और बड़ी संख्या में अभी तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम महाअभियान है, लगभग जो है 2000 की संख्या में लोग वहाँ पर सदस्यता अभियान पूरे रीवा जिले से लेने जा रहे हैं, जिसमें सभी मीडिया कर्मी के जो भी बंधुओं को हम लोग सादर आमंत्रित कर रहे हैं और सभी लोग चाहते हैं वहाँ पर पहुँचे। अधिकांश लोग अलग राजनीतिक पार्टी से हैं, आप उनको सदस्यता दे रहे हैं, पहले आप उसी राजनीतिक पार्टी का विरोध करते फिर उन्हीं के लोगों को सदस्यता दे रहे, फिर पैराशूट लैंडिंग करके आप उनको टिकट भी दे रहे हैं, क्या संगठन विस्तार नहीं हो पा रहा है या फिर सदस्यता नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं? इसमें मैं आपको बताऊँ, ये भारत देश के लोगों को ही हम शामिल करेंगे, इस देश के लोगों को। मैं उमेश त्रिपाठी, मऊगंज विधानसभा। हमारी ज्वाइनिंग भोपाल में माननीय प्रदेश प्रभारी महोदय जी, प्रदेश अध्यक्ष महोदय, चुनाव प्रभारी महोदय एवं प्रदेश के सभी पदाधिकारियों के द्वारा भोपाल में 10 तारीख को हो चुकी है। और वहां से हमको निर्देश मिला प्रमोद भैया से मिलने, माननीय जिलाध्यक्ष महोदय से मिलने का, जिलाध्यक्ष महोदय के निर्देशन में मऊगंज विधानसभा में काम करने का, वो काम हम अपना चालू कर चुके हैं। रही बात, हम छात्र जीवन से राजनीति में हैं, भोपाल पॉलिटेक्निक में जब पढ़ते थे तब से हम राजनीति में हैं, और NSI से लेके बीच में 2007 से लेके 2013 तक BSP में भी काफ़ी काम किए, प्रदेश महासचिव रहे, और अभी कांग्रेस में भी 13 से लेके अभी 10 तारीख तक 22 तक। और हमें जो कांग्रेस में देखने को मिला कि कांग्रेस टुकड़ों में बंटी है, क्षेत्र में बंटी है, और कांग्रेस तो है ही नहीं, सिर्फ नेताओं के पीछे चलने वाली लोग बचे हैं, चाहे महाकौशल का अलग नेता है, बिंद का अलग नेता है, बिंद में भी एक चार चार नेता हैं, और जो इनकी चमचिंग करेगा वही पद पाएगा, वही पोस्ट पाएगा। कांग्रेस का एक भी ऐसा नेता नहीं मिला या वर्कर नहीं मिला कि बोले कि मैं कांग्रेस पार्टी का हूँ, मैं फलाने आदमी का आदमी हूँ, मैं ढिकाने का आदमी हूँ, यही सब चीज़ों से काफ़ी मन खिन्न हुआ और हमारी बात हुई। और मुझे अपने नए परिवार और भारत देश में आज जिस तरह से आम आदमी पार्टी का ग्राफ चल रहा है, और बहुत कम समय में 2 स्टेट में गवर्नमेंट बनाई है, तीसरे में बनाने जा रहे हैं, तो इससे अच्छा मौका मुझे काम करने का दूसरा कोई नहीं लगा। और मैं आज भी भैया के अध्यक्ष महोदय के निर्देशन में रीवा आया हूँ, मैं मऊगंज विधानसभा में मुझे निर्देशित किया गया है काम करने का, मैं काम कर रहा हूँ। आम आदमी पार्टी में मेरे आने का सिर्फ ये मकसद है कि मैं जो माननीय केजरीवाल जी के विचारों से बहुत सहमत हूँ, और उन्होंने जो भी मतलब शिक्षा रोजगार के लिए काम किया है और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए काम किया है, उससे भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होकर के, और मैं इस पार्टी को 15 तारीख को बैगमपुर में ज्वाइन करने जा रही हूँ। और मेरा ये सोचना है कि जैसे अखंड भारत का जो निर्माण है वो नैतिकता और ईमानदारी और सत्यता के आधार पर हो सकता है, तो मुझे ये पार्टी मतलब ऐसा महसूस हुई कि इस पार्टी में मतलब भ्रष्टाचार नहीं है, ईमानदारी है, और इसी से प्रभावित होकर के मैं आई हूँ और उनके कार्यों से प्रभावित हूँ।
मेरा नाम सरिता पांडे है और पार्टी में थे अभी मैं भारतीय जनता पार्टी से थी। आपने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली जी, इससे प्रभावित होकर आपने आम आदमी पार्टी के? देखिए, हिंदुस्तान में इस वक्त दो मॉडल चल रहे हैं, एक गुजरात मॉडल है और दूसरा माननीय केजरीवाल जी का दिल्ली मॉडल है। केजरीवाल जी के कार्यों से प्रभावित होकर हमने और मेरे साथियों ने रीवा में जो बीएसपी में कार्य कर रहे थे, सैकड़ों साथियों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। सभी लोग बीएसपी से पार्टी से थे? जो कुछ बीएसपी से थे, कुछ पुराने समाजवादी थे, कुछ अन्य दलों के नेता भी थे, लेकिन अभी जो रीवा में हम लोग ने प्रकाशन किया है, जो मीडिया में हम लोग ने दिया है, वो रीवा में बीएसपी के साथ है। इस सदस्यता अभियान के बाद भी कोई विशेष प्रोग्राम रखेंगे कि आप आम आदमी पार्टी के रीवा में? जी बिल्कुल, सदस्यता अभियान तो अभी हम लोग करके आए हैं, जो यहाँ पे रीवा में मुख्य बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी और नेता थे, इसके बाद पूरे ज़िले नहीं, हम लोग पूरे मध्य प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी का सदस्यता अभियान जो चल रहा है, उसमें भागीदारी करते हुए कम से कम 10,000 लोगों को जोड़ने का लक्ष्य हम लोग का व्यक्तिगत है। तो क्या सदस्यता अभियान भी चलाएंगे आप लोग? हाँ, हम लोग सदस्यता अभियान चलाएंगे तहसील स्तर से लेकर शहर के हर वार्डो में। और माने मॉडल के अलावा क्या माने आम आदमी पार्टी आपको? देखिए, हमने आपको पहले भी बताया कि हिंदुस्तान इस वक्त दो ही मॉडल हैं। पहला मॉडल जो दिल्ली का माननीय केजरीवाल जी का है और दूसरा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का गुजरात मॉडल है। गुजरात मॉडल में धार्मिक उन्माद, भ्रष्टाचार, जातिवाद और इसके अलावा आपको कहीं कुछ देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ पर जो भी कार्य किए जा रहे हैं वो व्यक्ति विशेष के लिए कार्य किए जा रहे हैं, उद्योगपतियों के लिए कार्य किए जा रहे हैं। दूसरा मॉडल आपको देखने को मिलता है दिल्ली का केजरीवाल मॉडल, जो सिर्फ आम जनता की बात, आम जनता के हक और अधिकार की बातों की बात करते हैं, उनके लिए कार्य कर रहे हैं। आप चाहे आम जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, पानी, ये सिर्फ केजरीवाल मॉडल ही आम जनता को दे रही है। गुजरात का मॉडल ये आम जनता को नहीं दे रहा है, ये तो सिर्फ अडानी अम्बानी के लिए काम कर रहे हैं। और इसीलिए मध्य प्रदेश में जो तीसरे मोर्चे की कमी थी वो केजरीवाल जी पूरा कर रहे हैं। और ये भी हम आपसे बताना चाहते हैं इस मीडिया के माध्यम से कि आने वाले विधानसभा में बिना केजरीवाल जी की पार्टी के यहाँ पर कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना पाएगी। कितने वर्षों से आप राजनीति में हैं? लगभग राजनीति में हमको 30 वर्ष हो गए। मैं जब 18 वर्ष का था, उससे कम आयु, लगभग 17 साल कुछ महीने का था, तब मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी। छात्र सभा से काम करते हुए फिर बीएसपी में गया। बीएसपी में मेरी मिसेज यहाँ पे पिछले महापौर चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की महिला प्रत्याशी के रूप में कंचन रंजन गुप्ता थी, मेयर की प्रत्याशी थी, और अब हम लोग आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। रंजन गुप्ता, रीवा। देखिए, मैं तो अभी आम आदमी पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। चुनाव लड़ाने का काम माननीय केजरीवाल जी और उनकी टीम को करना है। यदि उनकी लिस्ट में मैं आता हूँ तो उनको लगता है कि मुझे चुनाव लड़ाया जाना चाहिए, तो बेशक लड़ने को तैयार हूँ।